आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर जिले के बरही गांव में लगने वाले 3 दिवसीय मेले का आज भोर में मंदरी बजते ही समाप्त हो गया। 3 दिनों में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने बेचूबीर बाबा और बरहिया माता की चौरी पर मत्था टेका। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यही नहीं, भारत विज्ञान क्षेत्र में चंद्रमा तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग भूत प्रेत और झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं, आज भी चले आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के मिर्जापुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर अरहोरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगने वाले बरही गांव में बेचूबीर बाबा और बरहिया माता के मेले का। यहां पर इंसान भूत प्रेत से मुक्ति पाने और संतान की प्राप्ति के लिए आते हैं। 3 दिवसीय मेले में लाखों संख्या में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों के लोग भी पहुंचे। ये अंधविश्वास का मेला बकायदे पुलिस और सीसीटीवी के निगरानी में कराई जाती है। अरहोरा थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित बरही गांव में लगभग 350 सालों से बेचूबीर बाबा और बरहिया माता का 3 दिवसीय मेला लगता चला रहा है। इस साल भी 21 नवंबर से मेला शुरू हो गया जो 23 नवंबर तक चला। 23 तारीख को भोर में मंदरी बजते ही मेला खत्म हो गया, वही लोग अपने घर को वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है इस मेले में भूत प्रेत बाधा से परेशान लोग बाबा की चोरी पर पहुंचते हैं तो भूत नाचने लगता है। क्या महिलाएं, क्या बड़े, क्या छोटे, जिधर देखेंगे उधर पूरे मेला क्षेत्र में इंसान भूतों की तरह नाचते नजर आते हैं। मान्यता है कि जिनको संतान नहीं होती वो अगर बाबा की चोरी पर आकर सच्चे मन से मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां पर आने से मनोकामना पूरी होती है, जो भी मांगा बाबा ने वो दिया। बेचूबीर बाबा के पुजारी रोशन लाल यादव बताते हैं, हमारे पूर्वज बरही गांव में रहते थे। बेचूबीर बाबा पहाड़ी और जंगलों में पशु चराया करते थे। एक दिन बेचूबीर जब जंगल में पशु लेकर गए, भगवान भोले शंकर बाघ के रूप में बाबा के ऊपर हमला कर दिया और बाघ बाबा घंटों लड़े जिसमें बाबा घायल हो गए। तब उन्होंने अपने भगवान को याद किया तो आकाशवाणी हुई कि जिस बाघ से आपकी लड़ाई हुई है वो साधारण बाघ नहीं बल्कि भगवान शंकर थे। बाबा की इसी जगह मौत हुई थी। बेचूबीर बाबा की मौत की जानकारी मिलने पर उनकी पत्नी बरहिया माता पहुंची तो उनसे भी बाघ के रूप में लड़कर घायल कर दिया। इनकी भी यहीं पर मौत हो गई। दोनों जगह पर चोरी बाबा की ही धूम है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यह सिलसिला आज तक जारी है। भूत प्रेत से परेशान लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती वो बरही गांव में आते हैं। पहले भक्षी नदी में स्नान करते, फिर पहने हुए कपड़े को वहीं छोड़ देते हैं और फिर बेचूबीर बाबा और बरहिया माता का दर्शन करता है। दोनों की समाधि पर आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस मेले को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा जा चुका है जिसके चलते मेले में व्यवस्था अच्छी रहती है। दल सिंगार पुजारी बरहिया माता के बताया गया कि जो भी बेचूबीर बाबा और बरहिया माता के चौरी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसी आस्था को लेकर आते हैं। अरहोरा थाना क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर बरही गांव में लगता है बेचूबीर बाबी और बरहिया का माता का मेला। इस दिन दिवसीय मेले में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल के लोग पहुंचते हैं। मेले में पुलिस, सीसीटीवी, बैरिकेटिंग, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के साथ लाइट की व्यवस्था की गई है। लाखों की संख्या में मेले में लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है। मेला सुचारू रूप से चल रहा है। आज मेला समाप्त हो गया। 3 दिनों में लगभग 5 लाख श्रद्धालु पहुँचे थे। 3 दिन से मेला चल रहा था, आज जो है कि एकादशी को 3:30 बजे भोर में समापन हुआ है। कितने वर्षों से मेला चला रहा है, क्या मान्यता है? मेला 300-400 वर्षों से लगभग चल रहा है। उनकी मान्यता है पुत्र प्राप्ति के लिए, भूत प्रेत बाधा की मुक्ति के लिए के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनका पूरा होता है। प्रशासन द्वारा मेले में क्या व्यवस्था? मेले में जिले के सभी शासन प्रशासन सकुशल सम्पन्न कराने के लिए लगे हुए थे। सकुशल और शांति पूर्वक सम्पन्न होगा। 3 दिन में कितने श्रद्धालु और 3 दिन में लगभग यानी कि 3-4 लाख के लगभग 4-5 लाख के लगभग श्रद्धालु आए होंगे। हम बरहिया माता जी के पुजारी हैं, हम यही संदेश देंगे कि जो श्रद्धालु और भक्तजन और बेची भी बरही माई के धाम पर आए हुए हैं जिस मनोकामना के लिए के लेकर आए थे उस मनोकामना को पूर्ण करते हुए वो अपने सुखी पूर्वक अपने घर से यानी कि जाएं और सुखी पूर्वक जाने की रहें आनंद। क्योंकि बेचूबीर बाबा का इतिहास था कि जो है कि ये शेर से जान की लड़ करके जान की इनकी मृत्यु हो गई थी
सिद्ध पुरुष थे जो है कि शंकर जी के आनंद भक्त थे। जो है शेर से घायल होने के बाद उनको वरदान मिला था, मांगे थे शिव जी से कि हमारे मरने के बाद जो हमारे श्रद्धालु हमारे भक्त हमारे जन्म धाम पर आए उसकी मनोकामना पूर्ण। बेलचूवीर बाबा का ये ऐतिहासिक मेला जो 21, 22, 23 नवंबर 3 दिवसीय मेला था, जिसका आज इनका वाद्य यंत्र मनरी बजने के साथ ही बेलचूवीर की मुख्य पूजा समाप्त हो गई। बेलचूवीर के हम वंशज हैं, हमारे बड़े भाई पुजारी ब्रजभूषण यादव ने विधि विधान से बेलचूवीर की पूजा अर्चना किया और देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु आज पूजा और दर्शन किए। इसके बाद वो अपने अपने गंतव्य को निकल रहे हैं। हम लोग अभी बेलचूवीर धाम पर ही हैं। घोर जंगल के बीच में अभी असुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण भी जो श्रद्धालु हैं खेतों में जंगलों में झाड़ियों में तमाम दुर्दशा के शिकार होते हुए भी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई और वो आज 350 साल से इसी तरह से उनकी आस्था बेलचूवीर बाबा के साथ टिकी हुई है। यह अद्भुत चमत्कार है, यह ऐतिहासिक अंतरप्रांतीय मेला जो इतिहास में दर्ज है और इस आस्था को विज्ञान भी चुनौती नहीं दे सकता। आस्था को लेकर श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं जो ना उम्मीद महिलाएं होती हैं जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है, वो अगर एक बार आती हैं दूसरे साल अपने गोद में बेटा जरूर लेकर के आती हैं। लगभग हर साल 10,000 महिलाएं अपनी गोद में बेटों को लेकर के आती हैं। और दूसरी चीज़ है सबसे बड़ी और कि प्रेत बाधाओं से मुक्ति को लेकर के लाखों महिलाएं पुरुष आते हैं जो यहाँ आते ही बेलचूवीर के चौरी पर मंदिर पर माथा टेकते ही उनकी प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये अकाट्य सत्य है जिसको आज बरसों से लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। जी मैं बेलचूवीर धाम में बरहिया माता के धाम पे आई हूँ। यहाँ पे यही मान्यता है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए आते हैं और बुध पुत्र की संबंधित जो समस्या होती है उनका निवारण किया जाता है। कितने साल से आप आ रही हैं? यहाँ तो कोई ये नहीं है, मैं आ रही हूँ लगभग 6-7 साल से। जी जानकारी तो हमें पहले से था बट कुछ हमें प्रॉब्लम हुआ तभी यहाँ पे आए, तो जो भी मेरी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई तो यहाँ हमेशा आते थे, ईयरली पे हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।